अस्सलामुअलैकुम वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं DHA फेस 4 में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो फॉर्मर अंपायर है, क्रिकेटर हैं, उनका शुमार अजीम तरीन अंपायर्स में होता है और 2006 से 2013 तक ICC इलीट अंपायर पैनल के रुकन थे। और अगर हम उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो 1977 से 1991 के दरमियान पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रेलवेज की नुमाइंदगी कर चुके हैं और आजकल एक बार फिर से खबरों में बहुत ज्यादा इन है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं असद रऊफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फायजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? और आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नहीं नहीं, वो आपकी जो बरादरी है वो ऑलवेज वेलकम है हमारे लिए, तो आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है पब्लिक को तो मुझे खुशी होती है कि आप जैसे लोग आके इंटरव्यू करें। अरे वाह, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल की क्या मसरूफियात है? वैसे तो सारी दुनिया ने आजकल आपकी मसरूफियात देखी हुई है, लेकिन बताएं आजकल हो क्या रहा है? मैंने अपना ये छोटा सा सेटअप रखा हुआ है, मैं अपना ये अपना जो बिजनेस है, मेरे पास दो तीन ऑप्शंस थी क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस भी था आयरन एंड मेटल का। अच्छा। मगर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था कोई, तो ये मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जब छोड़ा 1997 में गोल्डन हैंडशेक के बाद, क्योंकि मेरा क्रिकेट प्लेइंग करियर ख़त्म हो चुका था और मैं कुछ करना चाह रहा था, तो मैंने ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस काम वो इसको मुझे नॉलेज भी बढ़ा है, फिर मुझे कपड़ों का शौक़ भी बढ़ा है। अच्छा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये काम स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें कि इस काम के जो पहले महीने की जो मेरी इनकम थी ना, वो मेरी नेशनल बैंक की 4 महीने की सैलरी से ज़्यादा थी। है? ये आप 1997 की बात बता रहे हैं? 1997 की मैं बात बता रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था या बंद कर देना चाहिए? कोर्स इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। तब मैंने इसको कंटिन्यू रखा, फिर इसमें चेंजेस मैं लेके आया, इसको मॉडर्नाइज किया और इसको डिफरेंट तरीके से मैंने पेश किया जो मैंने खुद क्रिएट किया था सारा कुछ। इसको अपना प्रॉपर तरीके से रीप्रोसेस करना। अच्छा। इसकी पैकिंग करना, इसको अच्छे तरीके से, आपको पता है बिजनेस में प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। वो जब कहते हैं ना कि दुल्हन को जब तक सजाया ना जाए वो दुल्हन तो नहीं लगती। हाँ। तो वही बात ये कपड़ों में भी है, क्योंकि ये यूज क्लोथिंग में आते थे और इसमें हर क्वालिटी के कपड़े आते थे। अच्छा। तो हम उसको रीप्रोसेस करके फिर मैंने एक प्लांट लगाया जिसमें इनकी वॉशिंग, इनकी प्रेसिंग वगैरह। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर, वरना तो पता नहीं किस किस तरह की चीजें लोग भेज देते हैं। मगर ये लोगों का आइडिया नहीं, बड़े ब्रांड्स पे भी आइडिया नहीं है। ये यूज क्लोथिंग एंड मटेरियल इस वक्त द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड है। अच्छा। बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड और पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्ट है ये। यकीन करें अगर ये कपड़े पाकिस्तान में ना आए तो पाकिस्तानियों को कभी ये कपड़े देखने को भी ना मिलेंगे। 90% लोग गरीब और ये कपड़े बहुत लोगों का भरम रखा हुआ है। बिल्कुल। इसमें हर प्राइस के कपड़े मिलते हैं। आप पाकिस्तान में शॉपिंग करने चाहेंगे कि इसकी मतलब लोएस्ट प्राइस क्या और इसकी हाईएस्ट प्राइस क्या है? आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वूल जम्पर है, स्वेटर है, सर्दी आती है, स्वेटर पाकिस्तान में पाकिस्तानी स्वेटर की रेंज 10,000 से शुरू होती है और ये जो हम स्वेटर बेचते हैं ये इससे 100 टाइम बेटर होते हैं। तो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं। अच्छा। तो उसकी प्राइस 100 रुपये से शुरू होती है, 10,000 तक जाती है। हर क्वालिटी का स्वेटर होता है। ओके, मतलब 100 से लेके 10,000 तक का स्वेटर आपके पास अवेलेबल है? मेरे पास नहीं, मैं जरा अपर रेंज का करता हूँ, 100 रुपये वाला, मगर मिलता है। देखिए गरीब। अच्छा, आज अपनी रेंज बताएं ना ताकि लोगों को आइडिया हो कि अगर उन्होंने आपके पास आना है। उसमें बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, मतलब 20-25-30 हज़ार तक की चीज आप देते हैं? हमारे पास उससे भी महंगी महंगी चीजें हैं। मैं दो काम करता हूँ, मैं इम्पोर्टेड का भी काम करता हूँ। मैं ब्रांड न्यू जो मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इधर उधर से लेके आता था, ये मेरा एक अलग सेटअप है, ये आप देख रही हैं। हाँ, ये मेरा ब्रांड न्यू इम्पोर्टेड का सेटअप है, वो मैं घर पे डील करता हूँ। हाँ, बिल्कुल, वो तो मैं वहाँ पे डील नहीं करता क्योंकि ये लिमिटेड मेरे पास स्टॉक होता है। तो वहाँ पे जो होता है वो यूज में भी, आप मेरी आर्टिकल देखेंगे ना आपको ऐसे लगेगा जैसे मैंने नया खरीदा है वो, जो लेकिन यूज्ड होंगे।
वो यूज्ड में, हम उसको जब रीप्रोसेस करते हैं उसकी शेप निकालते हैं, क्योंकि ये तो बंडल्स में आता है ना, इसको मट पड़े होते हैं और इसकी शेप डिफरेंट। सर आप इसकी इंपोर्ट कौन कौन से ममालिक से करते हैं? ये पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े लोग बैठे हैं जो कराची में जो ये इम्पोर्ट करते हैं, उसके बाद रिटेलर्स इसको ख़रीद के सारे पाकिस्तान में लेके जाते हैं, और ख़ासकर नॉर्दर्न एरिया जहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है। यकीन करें अगर ये कपड़े इंपोर्ट ना हो रहे हो ना, तो उन लोगों को बेचारा, आप बताएं मुझे जैकेट आप लेने जाएंगे, अभी आपको थर्ड क्वालिटी की पैनोरामा सेंटर से मिलेगी 15,000 की, 20,000 की, 10,000 की। यहाँ पर जैकेट जो इंग्लिश, आपको मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ कि मेरे फॉरेन कस्टमर भी हैं, अमेरिका से भी लोग आते हैं, कनाडा से आते हैं, और जो बर्फ़ों की चीज़ें होती हैं ना वो मैं कोरिया से मंगवाती हूँ, जापान से आती हैं, और वो जब ये चीज़ें देखते हैं वो कहते हैं ये तो कनाडा में हमारी रेंज से बाहर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यकीन करें मेरे बेशुमार कनाडा रशिया से बड़े कस्टमर आते हैं। तो सर्दी इतनी पड़ती है, और वो आपको पता है लेडीज कोट फर लगी होती है वो लाख लाख रुपए का भी है, और उनको इतना सस्ता लगता है वो फिर बल्क में लेके जाते हैं। तो ऐसे ही ये दुनिया में बहुत बड़ा काम है, इसकी जो पहली ग्रेडिंग निकलती है ना, आप यकीन करें वो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी लेके जाते हैं। ये लीजिए देखें, इसको आप इजी ना समझे, ये इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, और पाकिस्तान में आप सोचें 90-95% गरीब लोग हैं, उनको जब 100 रुपए का स्वेटर अवेलेबल, अगर ना हो यकीन करें आधा पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया में सर्दी से मर गए, अल्लाह माफी, ऐसे ही बिल्कुल। और सर्दी भी आपको पता बर्फों में, सॉक्स मिलती हैं इतनी मोटी मोटी वूल में मिलती हैं, पाकिस्तान में तो वूल की सॉक्स कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टोपियाँ, वूल की टोपियाँ, आपको लॉन्ग कोट, आपको उनकी प्राइसेस, मैं तो लोगों को कहता हूँ आप लंडे के अलावा जरा प्राइस का पता करें, आपके अकल ही रान हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को ये, मैं तो बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान में लोगों के लिए ये इम्पोर्ट गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है, और लोगों को ये मिल जाता है हर रेंज का कपड़ा, स्वेटर 100 का भी मिलता है। आपके जो मतलब आपका आउटलेट है, आप वहाँ पे सिर्फ कपड़ों का ही काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं दुनिया की हर चीज़ बेचता हूँ, मसलन शूज, जॉगर्स, लेदर शूज, लोफर्स, चप्पल, जीन्स, पैंट्स, टी शर्ट, शर्ट, क्रॉकरी, डेकोरेशन, आप यू नेम द थिंग, हर चीज़ मेरे पास, मैं दुनिया की हर साफ सुथरी चीज़ मैं खरीदता हूँ। अच्छा, क्रॉकरी भी आप कर रहे हैं? क्रॉकरी आप देखेंगी तो मेरे पास वो भी बर्तन है जो क्वीन इस्तेमाल करती है, वो मैं मतलब हैरान हो रही हूँ, वरना वो तो पाकिस्तान में इतने महंगे हैं आपकी, और अगर बाहर के आप ला के दे रहे हैं तो आप आधा आधी चीजें तो मेरी बेगम ही घर पे ही रख लेती है। ये तो है, सारी चीजें तो जब सामने चीजें खुलेंगी तो वो जब मेहमान आते हैं तो वो क्रॉकरी देखते हैं, हाँ, हैरान, ये आपके पास कहाँ से आई? तो ये मेरा कारोबार है, इसमें मेरी अच्छा। अपनी भी जरूरियात पूरी होती हैं, बेशुमार किचन की एक्सेसरीज आती हैं और ब्रांड न्यू कंडीशन में आती हैं, ये आप इसको ये ना समझे कि कुमेले ही चीजें आती हैं लंडे, लंडे में ब्रांड न्यू चीजें भी आती हैं। तो जो क्रॉकरी होती है वो भी यूज्ड होती है? क्रॉकरी ब्रांड न्यू भी होती है, ब्रांड न्यू भी होती है क्रॉकरी। अच्छा। स्लाइड है, अब एक कप को आपने 4 दफा उसमें चाय पी है तो कप को तो कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्रॉकरी को अगर आप डिनर सेट है उसको आपने एक दफा यूज किया तो आपके इम्पोर्ट में आ गया और आपने रख लिया तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो हैरान कुन चीज़ें आती हैं, शूज़, जॉगर्स में लोग आते हैं तो प्राइस पूछते हैं, वो मुझे चक्कर देते हैं इतना महंगा, मैंने कहा ये अगर सेकेंड हैंड में ना हो तो आपको ये नाइकी एडिडास जो आप पहन रहे हैं ना ये आपको देखने को भी ना मिले। हाँ, जो इनकी रियल प्राइसेस इस वक्त आउटसाइड पाकिस्तान ब्रांड न्यू में 200 से लेके तो $2,000 था। अच्छा सर, लेकिन ये जो थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें कि ये जो पिछले दिनों जिस तरह से आपकी इस बिजनेस को गलत तरीके से कुछ जगह पे फैला, हाँ, इसको इस पे क्या कहेंगे, गुस्सा आया आपको कि एक तो आपका इंटरव्यू करने के लिए आए थे ऊपर से गलत रंग देके चले? गुस्सा मेरे मिजाज में ही नहीं है, मेरे ब्लड में ही नहीं है गुस्सा जो है ना, मगर लोगों को जो इंटरव्यू करने आते हैं उनको चाहिए कि इसकी क्लियर पिक्चर अवाम तक पहुंचे, जो है ना है, बिल्कुल जो यार ये काम है, ये बिजनेस है, ये मुझे आके लोग पूछते हैं शॉप पे, अरशद भाई आप ये लंडे का काम करें, तो फिर मैं उनको मैं कह यार मैं कोई चोरी का काम तो नहीं करता,
मैं कोई अफीम या चर्च तो नहीं बेच रहा, मैं तो एक हलाल काम कर रहा हूँ। मैं एक चीज तजारत आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतरीन जरिया करार दी है, तो इसमें मुझे अच्छा रिजक मिलता है, मुझे अपना इनफैक्ट मुझे मेरी लाइफ में इसी काम ने स्टैंड किया। वो तो क्रिकेट अंपायरिंग ICC एलीट पैनल, वो तो बाद में एंटर हुआ मैं उस, मैं तो यही काम करता था। माजिद खान साहब ने मुझे अंपायरिंग की ऑफर की और मैंने तो इनकार कर दिया था, मगर जब उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया और उन्होंने मुझे अपना प्लान बताया कि मैं, वो मुझे लंदन एयरपोर्ट पे मिले थे। सर सर अंपायरिंग की तरफ आने से पहले मुझे ये बताएं क्रिकेट की तरफ कैसे आए, फिर उस पे अंपायरिंग पे बाद में आते हैं, पहले बताएं क्रिकेट में कैसे आना हुआ। मैं अपने किसी भी प्रोफेशन में आना नहीं चाहता था, मगर आप ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ने आपका रिजक लिखा होता है। मैंने जो ज़िंदगी में किया ना वो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने क्रिकेट, मेरे फैमिली में किसी ने क्रिकेट नहीं खेली, मगर मैं क्रिकेट के टॉप पे गया। मैं एज ए प्लेयर मैंने 17 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और मैं पाकिस्तान के टॉप 25 में 2 दफ़ा सेलेक्ट हुआ हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ग्रेग चैपल की टीम आई थी, उसमें मैं पाकिस्तान के कैंप में था, फिर किम ह्यूज टीम लेके आए उसके साथ मैं पाकिस्तान। मगर वो होता है ना कि हमारे टेन्योर में एक ऐसा प्लेयर का रेला आया था कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर निकले थे, अच्छा, तो उसमें किसी को चांस मिला किसी को नहीं मिला। मैं भी ये सलीम मलिक रमीज राजा ये हम इकट्ठे ही थे और हमारा स्टैंडर्ड भी एक ही था, मगर उनको चांस मिल गया मुझे नहीं मिला। मैं अल्लाह से सारी उम्र यही मैं सोचता था या अल्लाह आपने मुझे पाकिस्तान का तारा नहीं लगा, स्टार नहीं लगा, रह गया हूँ। मगर और ही प्लान किया हुआ था अल्लाह ने, कुछ अल्लाह ने मुझे बाद में अंपायरिंग में सारी दुनिया का स्टार लगा दिया। तो ये अल्लाह के काम, अल्लाह ने आप पर इज्जत जहाँ लिखा ना आपकी लाइफ उधर मुड़ती जाती है, आपको पता भी नहीं होता कि अल्लाह ताला ने आपकी रोजी कहाँ कहाँ लिखी। तो ये मैंने ना क्रिकेट सोची थी मैंने खेली, मैंने इंग्लैंड जाने का कभी सोचा भी नहीं था। मैंने 10 साल इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेले और बड़े रिकॉर्ड है मेरे ब्रेडफोर्ड क्रिकेट लीग में। तो अंपायरिंग का मैंने, इस काम का मैंने सोचा भी नहीं। मैं तो नेशनल बैंक में अच्छा भला जॉब कर रहा था, मैं Grade 3 ऑफिसर था 97 में, मगर जब मेरा क्रिकेट प्लेइंग टाइम ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अब अपनी अपनी सीटों पे जाएं। मेरे मुझे कहा कि आपकी ट्रांसफ़र उधर कर रहे हैं उधर। मैंने कहा यार मुझे तो बैंकिंग तो आती नहीं, हम तो प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, बैंकिंग या मैं कि मुझे टोकन दे के बैठा देंगे कहीं, तो मैं तो Grade 3 ऑफिसर हूँ। तो मैंने कहा कि इसको खैरबाद ही कह दिया जाए। तो मेरा जो इंचार्ज था वो मुझे, मैं तो हाजिरी भी नहीं लगाता था, वो मुझे कहता था सर भाई या मैं छोड़ देता हूँ या आप छोड़ दें, मुझे ना बहुत वार्निंग आ रही है कि आप बिठाते नहीं। मैंने कहा आप भाई बैठे रहें मैं छोड़ देता हूँ। तो लकीली उस वक्त गोल्डन हैंडशेक भी आ गया, तो मैंने गोल्डन हैंडशेक लिया, नेशनल बैंक को खैरबाद किया, 15 साल में उनके साथ काम किया। तो फिर मैंने उस पैसे से ये काम स्टार्ट किया था। जबरदस्त। अच्छा सर ये बताएं कि एक अच्छा क्रिकेटर और अच्छा अंपायर होने के लिए कौन कौन सी खूबियों का होना लाजम है? अंपायरिंग में आपका जो प्लेइंग टाइम होता है ना और आपको जो प्लेइंग टाइम में क्रिकेट का नॉलेज होता है वो आपको अंपायरिंग में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, आपका क्रिकेटिंग जो नॉलेज होता है, आप देखिए ना, आप एक डॉक्टर को क्रिकेट के 42 लॉ हैं, वो तो डॉक्टर भी पढ़ लेगा इम्तहान भी दे देगा, मगर क्रिकेट एक डिफरेंट फील्ड है। इसमें उन्हीं को आना चाहिए जो क्रिकेट से रिलेटेड हों। जैसे ICC ने इमरान खान को, माजिद खान को बोला था ना कि आप अपने अंपायरिंग में, पाकिस्तान में ये होता था कि ये फायजा मेरी दोस्त है यार, ये फायजा को 2 मैच अंपायरिंग करवा दो, फायदा तो अंपायरिंग नहीं कर सकते। या आप मुझे कहें यार असद रऊफ बोर्ड में आपकी वाकफियत है या असद रऊफ को 1 साल अंपायरिंग करा दो। ये बहुत दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और इसमें आपको बहुत टेक्निकल और प्रोफेशनल होना चाहिए। आपके प्रोफेशन में भी बड़े बड़े नॉन टेक्निकल और नॉन प्रोफेशनल लोग एंटर हुए हुए हैं। आप कोई कहता है जी मैं एंकर हूँ, आप यकीन करें आधे इंटरव्यूअर्स को तो मैंने बताया कि यार ऐसे क्वेश्चन हालांकि ये बातें हम ब्रेक में कर लेते हैं, ब्रेक का यहाँ पे वक्त हुआ है। असद रऊफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत कुछ जानेंगे।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं असद रऊफ साहब। ब्रेक पे जाने से पहले उनसे क्रिकेट पर, अंपायरिंग पर, उनके बिजनेस पर हम बहुत सारी मज़े मज़े की बातें कर रहे थे। अच्छा सर, आप मुझे वैसे तो मैं आपकी ज़िंदगी का यादगार वाक्या भी पूछूंगी, लेकिन वो ज़रा मैं बाद में पूछूंगी। आप मुझे ये बताएँ कि क्रिकेट के बाद PCB ने आपकी सर्विसेज से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? ये क्या वजह है कि उन्होंने आपको कहा कि आप ठीक है जा रहे हैं तो जाएं भाई, ये क्या बात बनी? देखें, हमेशा प्यासा कुएं की तरफ जाता है, कुआं कभी प्यासे की तरफ नहीं आता। अगर PCB को, उनको हर चीज़ पता है कि हमारे दो अंपायर वर्ल्ड नंबर वन टू थ्री चाहे गुल्ली डंडे में भी हो ना, तो आपको लोग ऐसे उठाते हैं। हमने तो दुनिया के मुश्किल तरीन काम में पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 में, जिसमें अलीम डार इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मैंने अपने कैरियर में मुश्किल तरीन चीज़ की, और ICC जितना हमारे पे डिपेंड करता था ना, हमारे पे यकीन रखता था। यकीन करें, दुनिया की मुश्किल तरीन सीरीज असद रऊफ अलीम डार। तो अगर उन लोगों ने हमारी सर्विस से इतना फ़ायदा उठाया तो नहीं होता कि अपने जो लोग हैं, जो अपने इदारे हैं, वो उस तरह से कदर नहीं करते हैं, दुख होता है? देखिए, अब मैंने तो दुनिया में सारी अचीवमेंट कर ली। नहीं, माशाल्लाह, बिल्कुल पर्सनली इंडिविजुअली तो आपने हर चीज़, मैं उसकी फर्स्ट क्लास लेवल तक, बिल्कुल मैंने क्रिकेट खेली, उसकी पीक पे गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। स्टार लगना ये अल्लाह ताला के काम है कि उसने आपके नसीब में कितनी इज्जत, रिस्पेक्ट, कितना पैसा लिखा। अंपायरिंग मैंने की, मैं इसकी अब वर्ल्ड नंबर किसी भी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 में या टॉप 10 में सेलेक्ट होना, अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात। तो हमारी नॉलेज से PCB ने क्यों नहीं फ़ायदा उठाया, ये PCB जाने या उनका काम जाने। उसका एक नुकसान ये है ना कि मेरे और अलीम डार के बाद आज 15 साल हो गए हैं। सर, मैं यही पूछने वाली थी कि इतने अरसा लंबा गैप है बीच में। माजिद साहब और उसके बाद जनरल तकीरजा साहब PCB के CEO बने, चेयरमैन बने, उन्होंने उस प्रोग्राम को जारी रखा। अच्छा। उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया, उन्होंने हमें बेहतरीन लुक आफ्टर किया, हमारे लिए बेहतरीन पैकेज उन्होंने तैयार किए। आगे हमारी नसीब कि हम ऊपर जाके कहाँ तक जाते हैं, तो ये हमने मेहनत की बाद में। उनका काम था इंट्रोड्यूस कराना, आगे ग्राउंड में तो हमने परफॉर्म करना है ना। और हमने जो ग्राउंड में परफॉर्म किया वो ICC के बॉसेस ने और दुनिया ने माना कि पाकिस्तानी अंपायर्स आर द बेस्ट। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जैसे आपने कुछ चेयरमैन की बात की PCB के, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इदारा है हमारा, उसने तो मतलब आप लोगों को तो सपोर्ट किया ही है, हुकूमतों का भी बड़ा अमल दखल होता है कि हुकूमत अपना क्या रोल प्ले करती है, और आप क्या समझते हैं कि किस हुकूमत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिला, या ओवरऑल अगर हम क्रिकेट की अंपायरिंग की बात करें तो? नहीं, क्रिकेट अंपायरिंग में जो फ़ायदा है ना, वो तो आपने अपनी मेहनत से असर करता है। अच्छा। PCB, आप जब एलीट अंपायर होते हैं तो वो उसके पैसे डिफरेंट होते हैं, जो लोअर ग्रेड के होते हैं उसके पैसे डिफरेंट होते हैं। अच्छा। जो उससे लोअर ग्रेड के होते हैं, PCB ने हमें बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया, उन्होंने हमें बड़े, जब हम, मगर पैसा कहाँ है जब आप अपर लेवल पे चले जाते हैं। लोअर लेवल पे इसमें इतना पैसा नहीं है, उसकी बहुत सी रीज़न है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल टेक्निकल लोग नहीं है। ये एक फुल टाइम जॉब है अंपायरिंग। PCB को दोबारा हमने बहुत कोशिश की कि दोबारा प्लानिंग करके ऐसे लोगों को इस प्रोफेशन में लाएँ जो इसको फुल टाइम करें, उनको अच्छे पैकेज दिए जाए उनका, तक क्योंकि सारी क्रिकेट तो होती है 6 महीने, तो 6 महीने उनको पैकेज दिया जाए ताकि वो किसी और काम में। अब मैं आपको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अंपायरों की बताऊं, वो 5 महीने काम करते हैं, कई कई साल करते हैं, उनका इतना कंफर्टेबल पैकेज होता है, उनको ज़रूरत ही नहीं है कोई काम करने की। तो ये इसमें आपको फुल टाइम जॉब दी जाए, इसमें आपको अच्छे पैसे दिए जाए ताकि आप सारे काम छोड़ के यही काम करें, जो एक काम करनी है उस पर तवज्जो दे सकें आप। मगर पाकिस्तान में लोअर लेवल पे इतने पैसे नहीं है लोगों को, और काम करने को बैंक से मुंसलिक है, कोई अपने कारोबार से मुंसलिक है, तो फिर आपकी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन एक ये कॉन्सेप्ट भी तो है ना कि क्रिकेट में बहुत पैसा है तो लोग इसलिए भी आना चाहते हैं। पैसा है मगर वहाँ पे तो पहुँचना, सारा पाकिस्तान 24 करोड़ बंदा क्रिकेट खेलता है, तो
टॉप लेवल के क्रिकेट तो 11 बंदे ही खेलते हैं ना। अब 11 में आप सेलेक्ट होना आपके लिए कितना मुश्किल है ये आप जानते हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं, किस्मत का अमल दखल होता है या आपकी ताल्लुकात सिफारिशें वगैरह काम आती हैं? सिस्टम जो पाकिस्तान में है उसमें आपको पता है कि लाइकिंग, पर्सनल लाइकिंग, फेवरेटिज्म, कहीं पैसा चल जाता है, कहीं फेवरेटिज्म चल जाता है, कहीं पर्सनल लाइक, कहीं सिफारिश चल जाती है। तो यकीन करें आप में अगर टैलेंट है ना, आप अपने टैलेंट से ऊपर आए हैं ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं एंटायरली, मेरे फादर, उनकी बहुत अप्रोच थी, मगर वो मुझे कहते थे भाई अपने टैलेंट से क्रिकेट खेलनी है तो खेलो, मैंने किसी को जाके कुछ नहीं बोलना। किसको? तो मैंने एंटायरली अपनी लाइफ में जो भी किया ना, ये मैंने अपनी मेहनत से किया हुआ। मैं जब एलीट पैनल में सेलेक्ट हुआ था ना, तो यकीन करें पाकिस्तान, उस वक्त एहसान मानी आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। तो जब हमने काम शुरू किया एलीट पैनल के लिए तो बड़े खुश थे, आईसीसी का पूरा डिपार्टमेंट बड़ा खुश था कि यार हमें बड़े अच्छे। तो मुझे पाकिस्तान से बेशुमार लोगों ने मुखालफत की कि ये असद रऊफ को आपने कैसे सेलेक्ट किया। अच्छा। ये भी बहुत स्टोरी है। हालांकि मैं तो ये पूछने वाली थी कि अगर कोई पाकिस्तानी अंपायर जाता तो शायद बाहर से थोड़ी मुखालफत हो या थोड़ा कुछ ग्रज लोग। बाहर से तो थी। अच्छा, वो होती है गोरे इंडियंस की तरफ से, इंग्लैंड और उन्होंने, मगर ये कि आईसीसी एक फ्री इदारा है, प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस को मानते हैं। वो कोई फेवरेटिज्म उस लेवल पे जाके ये चीजें नहीं चलती। वहां पे आप तभी सिलेक्ट होंगे जब आप उस जगह के अहल हैं। तो एग्जैक्टली तो वो सिलेक्शन ही बड़ी मुश्किल है, उसके लिए आपको जो पापड़ बेलने पड़ते हैं और आपको जो काम करना पड़ता है। मैं भी जब पाकिस्तान से एलीट पैनल में सिलेक्ट हुआ, जब मैंने डिफरेंस देखा था, जो मैंने गैप देखा था ना हमारे और ऑस्ट्रेलियन अंपायरों के बीच में जो गैप था, उनका जो स्टैंडर्ड था शो कार्ड ही था। अच्छा, टैलेंट नहीं था इतना है, तो फिर क्यों उनको बना दिया जाता था? मोनोपोली है, आप देखे ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मोनोपोली है आईसीसी में, वो अपनी बातें मनवाते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो तो फाउंडर हैं क्रिकेट के, इंग्लिश, मगर जब हम उस लेवल पे पहुंचे और हमने काम करके दिखाया तो फिर उन्होंने हमारी बहुत रिस्पेक्ट की और फिर वहाँ पे पैसा भी बहुत ज्यादा है। बार बार सर बता रहे हैं वहाँ पे पैसा भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा लोग, मगर उस लेवल पे पहुँचने के लिए वो आप समझ लें कि आप दुनिया के 10 बेहतरीन लोगों में सेलेक्ट होना है तो दुनिया की आप पॉपुलेशन देख लें। हाय, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो वो फिर हमने सेलेक्ट भी हुए, हमने किया भी और अलीम डार अब तक कर रहे हैं। अलीम डार का तो ये भी रिकॉर्ड है कि 15 साल से ज्यादा हो गया उनको आईसीसी एलीट पैनल, तो 7-8 साल मैंने भी उनके एलीट पैनल गुजारे, मगर मेरी एज का और अलीम डार की एज का डिफरेंस था। मुझे जल्दी छोड़ना पड़े, मुझे फिटनेस प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मेरा बेटे की बीमारी की प्रॉब्लम थी, मगर मैंने बड़े अच्छे टाइम पे छोड़ा, मुझे इससे कोई गिला नहीं है। माशाल्लाह, सेटिस्फाइड हैं आप? हम सेटिस्फाइड, अल्लाह ताला ने जो लिखा उस सेटिस्फाइड, अल्लाह ताला से आप शिकवे शिकायत नहीं कर सकते। और वो जैसे पंजाबी में कहते हैं आड़ा नहीं लगा सकते। अच्छा सर, क्योंकि हम आईसीसी की बात कर रहे हैं तो सर थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल भी रहा आपका करियर, उस पे सर मैं थोड़ा जानना चाह रही हूँ कि वो एक इंडियन मॉडल थी, वो क्या किस्सा था सर, वो जिस पे आप पे एलिगेशंस हैं, वो क्या एलिगेशंस थी, वो सच है या सिर्फ? नहीं सर, अगर वो सच होती तो मुझे इंडिया में ही अरेस्ट कर लेते वो। तो सर वो क्या वजह क्या बनी थी उसकी? वो मेरी दोस्त थी। अच्छा। इंडियन मॉडल थी। आपको पता है जब आप लाइम लाइफ में होते हैं तो हर बंदा आपके साथ नाम जोड़ना चाहता है। तो इंडिया से ये एक बहुत बड़ी डिजीज है जो इंडिया से आती है इश्यूज की ना, तो ये सही बात की है। नहीं मैं तो सच्ची बात को, मेरे पे कोई एलिगेशन होता तो मैं तो उससे अगले साल भी इंडिया गया था आईपीएल में। हाँ, उसने फिर अपनी पुलिस से एप्लीकेशन भी वापस ले ली। अच्छा। मुझसे सॉरी भी किया। मैंने कहा बीबी अगर आपको कोई फायदा हुआ है तो गुड लक फॉर यू, मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरे चाहने वाले जो है, मेरे फैमिली जो है, मेरे दोस्त हैं, उनको पता है कि ना मैं कभी करप्शन कर सकता हूँ, मेरे ब्लड में ही नहीं है। तो ये जो आप बातें सुना रही हैं तो ये आप अपनी आपकी बदनामी हो रही है। मेरे सब
घर वाले भी मुतमइन, आपको पता है ऐसे इश्यूज हैं तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। मैं पूछने वाली थी सर कि मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी से कभी फैमिली ने रिएक्शन नहीं दिया, कभी डिस्टरबेंस नहीं हुई? मेरी फैमिली ने देखा सुना सारा कुछ, मगर मेरी वाइफ ने इंटरव्यू में कह दिया था कि मैंने ये सारी चीजें, इनके फ्रेंड भी हैं, फ्रेंड मेल भी है, फीमेल भी है, इनके फैंस भी हैं, और जिस तरह वो इनके साथ कोई पिक्चर उतरवा रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, तो आप अपने फैंस को ना आप झटक नहीं सकते, आप उनको को बैडली इग्नोर नहीं कर सकते। ये फैन आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है आपकी लाइफ में, तो आप इनके साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकते। तो वो जो करें तो वो आपको झेलना पड़ता है। वो कैसे जफीज डाल के पिक्चर उतरवा रहा है या नहीं उतरवा रहा, तो आप उस वक्त तो उसको कुछ नहीं कह सकते, बाद में अगर आप उसको लिबर्टी नहीं फैंस को देनी चाहिए कि इस तरह से फिर मिस यूज करे वो आपके पिक्चर्स को। अगर आप उसको मिस यूज करना चाह रहे हैं, आप चीप पब्लिसिटी के लिए आप वो पिक्चरें दिखा रहे हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट था, या फिर आपने किसी चैनल को स्टोरी बना के बेच के पैसे पकड़ लिए हैं, तो वो आपका फेल है। और उसको इंडिया में काफी उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था कि आपने ये क्या हरकत की। लेकिन मैं गिल्टी होता है, मैंने कोई ऐसे काम जो उसने एलिगेशन लगाए थे, मैंने कोई ऐसे काम किए होते तो मैं तो इंडिया जाता ही ना कभी। मैंने तो उसको कहा था मैं अगले साल आऊँगा और तुम मैं कोर्ट में भी जाऊँगा, मगर उस मेरे सर तो वो जो कहती थी कि जी आपने तो पता नहीं फ्लैट के वादे किए थे शादी के, ये सब चीज़ें क्या थी? नहीं उसने ना शादी पे कम जोर था, फ्लैट और गाड़ियों पर ज़्यादा था तो बार बार फ्लैट और उसका जिक्र और शादी बीच में आ, लेकिन गाड़ियां और फ्लैट आप क्या? वो शादी का नाम है ना कि शादी क्या, हमें तो चार शादियों की भी ज्यादा शादी करनी है तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, मगर वो फिर शादी से पीछे फ्लैट और गाड़ी पे जोर था ज्यादा। मगर उसमें अगर सर पैर होता ना किसी उस स्टोरी में तो अपना वो मुझे फॉलो करते। मैं अगले साल इंडिया गया था, उसने मेरे जाने से पहले जब पुलिस कमिश्नर ने बॉम्बे में उसको बोला ना आपने एप्लीकेशन दी थी आप इसको फॉलो करेंगे या सदर रऊफ साहब आ रहे हैं, तो उसने वो एप्लीकेशन ही वापस ले ली। सर शुक्र है मुसीबत टली आपके सर से। सर इस वक्त की जो पाकिस्तानी क्रिकेट है उसके बारे में क्या कहेंगे, कितने मुतमइन हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जा रही है? देखिए मेरा तो क्रिकेट तो मेरा शोभा नहीं रहा था, मैं तो अंपायरिंग में आ गया था, मगर मैं नॉलेज जरूर रखता हूँ। बिल्कुल सर, आपने खेली भी तो है ना फर्स्ट क्लास, तो खेली भी है, कमेंट खेलाई भी है, मगर जब मैंने क्रिकेट जब मैं कोई काम छोड़ता हूँ ना फिर मैं उसको बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ। अच्छा, मैं क्रिकेट अब मैं देखने कभी नहीं गया, टीवी पे अगर मैं आ गया हूँ तो लगी हुई है क्रिकेट तो देख ली, क्योंकि 35 साल आप क्रिकेट से रिलेटेड रहे फिर आपको पता है बंदा मेंटली भी थक जाता है। मैंने 175 इंटरनेशनल मैचेस ग्राउंड में खिलाए हैं, तो अब मैं क्रिकेट देखने के लिए सारा दिन बैठना पड़ता है तो मैं बैठ नहीं सकता। मगर पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान के दो स्टार से मैं बहुत इंप्रेस हूँ, एक बाबर आजम है और एक रिजवान है। अच्छा, क्योंकि मैंने इतनी लंबी क्रिकेट खेली और खिलाई है, मैंने अपने कैरियर में इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना बहुत कम प्लेयर्स में देखी। अरे वाह। और मगर मैं 4 साल से देख रहा हूँ, 3 साल से देख रहा हूँ कि बाबर की और रिजवान की इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है कि मेरे ख्याल में कि ये दो बंदे इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट हैं। ये कितना बड़ा कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है इन दोनों के लिए जो इतने बड़े सीनियर की तरफ से आया। अच्छा सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, आखिर में मेरा एक सेगमेंट होता है, मैं आपके सामने 4 नाम लूँगी, आपने उनकी एक एक खामी और एक एक खूबी बतानी है, ठीक है? पहला नाम है जी वसीम अकरम साहब, उनकी एक खूबी बताएँ और एक खामी बताएँ। उनकी खूबी तो सारी दुनिया को पता है कि उनकी वो अपने टाइम पे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर रहे हैं। और खामी मैंने अपनी मेरी उनसे कोई इतनी लंबी बहुत मुलाकातें जरूर हुई हैं अपना क्रिकेट प्लेइंग कैरियर में भी और अंपायरिंग कैरियर में, क्योंकि वो कमेंट्री से रिलेटेड थे और फिर वो आईपीएल में कोच भी थे केकेआर के, तो मेरी उनसे इतनी लंबी खामियाँ तब पता चलती हैं जब आप किसी को लंबी कंपनी देते हैं या किसी के साथ कोई टाइम गुजारते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही किसी में खामी निकाल देना, तो मैं तो ऐसे काम नहीं करता कि अच्छे बुरे में मैं खामी निकाल दूं, तो अगर उनमें कोई खामी मैंने तो नहीं देखी, अगर है कोई तो वो उनका पर्सनल है, मैं इसमें कोई
कमेंट्स करना ना अच्छा नहीं समझता कि आपको पता भी नहीं है आपने ऐसे टीवी पे बोल दिया है। अच्छा। तो अच्छा ही है उनकी अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। अलीम डार साहब, अलीम डार उनकी एक खामी बताएं और एक खूबी बताएं। अलीम डार में यकीन करें मैंने खामी कोई नहीं देखी सर। ये थोड़े से सियासी नहीं हो रहे जवाब, ये क्या बात है। एक कुछ तो होता है ना, बंदे की दोस्ती होती है जहाँ पे गुस्सा भी आ जाता है किसी ना किसी बात पे, बंदा कह ही देता है, वो वाली कोई खामी बता दे हल्की फुल्की। अलीम डार यकीन करे वो उनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो रोल मॉडल है। अच्छा। मैंने वो इतने अपना दीन से इतने रिलेटेड है कि मैंने उनको रोजे में क्रिकेट भी खेलते देखा और रोजे में मैंने उनको बड़ी बड़ी गर्मी में अंपायरिंग भी करते देखा। यकीन करें कि और हलाल खाने के लिए वो हमेशा मुझे लेके जाते थे। हम किसी ऐसे मुल्क में भी चले जाते थे जहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मगर उन्होंने अपने रिलेशन रखे होते थे, वो किसी ना किसी मुसलमान को मंगवा भी लेते थे और पांच वक्त के नमाजी। मैंने अगर हम ट्रैवल में हैं तो उसमें भी वो नमाज पढ़े। मैंने उनसे इस चीज़ से बड़ा मैं इम्प्रेस था। रमज़ान में आप वो रोज़े भी रख रहे हैं और रोज़े में अंपायरिंग भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, तो उनकी खूबियां जो है ना वो अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं किसी को नवाजता। वो एक अपना उनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो एक रोल मॉडल है। शुएब अख्तर साहब, आप बड़े मुश्किल मुश्किल लोगों के। नहीं नहीं सर, हम तो बड़े मशहूर लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, मुश्किल नहीं मशहूर। अब शुएब अख्तर भी अपनी जो है, शुएब अख्तर से को मेरी इतनी कंपनी नहीं रही और इतना कोई आमना सामना नहीं हुआ, मगर वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पाकिस्तान के डोमेस्टिक अंपायर उनके एग्रेशन की वजह से उनसे बहुत घबराते थे। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी अपना हरकत की डोमेस्टिक क्रिकेट में के यकीन करें अंपायर उनके फेस करते डरते थे, मगर मुझे ऐसा कोई खौफ नहीं था। उसकी एक रीजन थी कि वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते। जहाँ पे प्यार इज्जत हो वहाँ पे तो ख्याल। आपको पता ही शुएब अख्तर किस किस्म के एग्रेसिव है, वो टीवी पे भी कैसी कैसी बातें करते हैं, मगर उन्होंने मुझे अपने करियर में बड़ी रिस्पेक्ट दी। वो हमेशा मुझे रऊफ साहब कहते और मेरे जो डिसीजन, अंपायर की सबसे बड़ी सक्सेस जो होती है ना जब उसके डिसीजन को लोग रिस्पेक्ट देनी शुरू करते हैं, उसमें कभी गलत भी हो जाते हैं। इसके भी दो तीन मिसाल हैं, मगर आप कह रहे हैं मेरे टाइम खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। रमीज राजा साहब आखिरी नाम, रमीज राजा उनके बारे में एक खामी और एक खूबी बतानी है। क्रिकेटिंग डेज में रमीज राजा मेरे तब भी साथी रहे, मेरे यूनिवर्सिटी टाइम पे भी साथी रहे, फिर प्लेइंग टाइम पे भी हमारे साथ खेले और फिर अंपायरिंग में। उनके बारे में तो खामी जरूर पता होगी क्योंकि जहाँ पर इतनी दोस्ती हो। काम नहीं करते किसी का उनकी खामी है। वो बड़े लोगों को शिकायत है कि रमीज जो है ना वो उसने हमारा काम नहीं किया। अच्छा। मगर मैं इसको इसलिए भी खामी नहीं कहूँगा कि भी काम अगर करने वाला होगा तो बंदा करेगा ना। अगर आप टॉप सीट पे बैठे हैं तो आप कोई नजायज काम किसी को कह देंगे वो तो नहीं करेगा। ऐसा ही है। काम जो करवाना है ना, मैंने आपको एक बात पहले की थी कि अगर आप में अपना टैलेंट है ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने बड़ी ही मुखालफत में अंपायरिंग की है और मेरे मुखालिफ फिर परफॉर्मेंस देख के उन्होंने मुँह पे उंगली रख ली कि नहीं यार हम गलत बंदे की मुखालफत कर रहे थे। तो आपका काम, आपका प्रोफेशन में अपना प्रोफेशनलिज्म आप लोगों को पता चल जाता है। लोग पागल नहीं हैं, टीवी पे स्लो मोशन भी चल रहे हैं, अल्ट्रा स्लो भी चल रहे हैं। ऐसा ही है सर। आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी तो अब एक खामी और एक खूबी बतानी ही बतानी है। हमारे में तो खामियां ही खामियां, खूबी तो मुझे बस अपने एक खामी और एक खूबी बता दें। हमारे में इतनी खामियां कि मुझे सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आप अपना जब कोई भी जॉब करें तो आप उसको मेहनत करें, उसमें अपना हार्डवर्क करें तो अल्लाह ताला आपको सब देता है। तुम अब मैं खामियां कहाँ से, इतनी खामियां कि मुझे तो बताते खामी भी नहीं मिल रही अपने लिए और खूबी भी नहीं मिलेगी। खामियां आपने कोई देखी है तो आप, नहीं, आप खुद ही नहीं, नहीं, नहीं हम तो आपकी सर तारीफ ही सुन के और देख के यहाँ तक आए हैं, बहुत शुक्रिया। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी खामियां मैं तो कहता हूँ इतनी है कि मैं एक नहीं बता सकता, कुछ 50 हो तो मैं बता सकता हूँ। इंसान वैसे ही गलतियों का पुतला है तो खामियां भी होती हैं।
और अच्छे काम भी लोग ही बताते हैं कि भी उन्होंने कोई अच्छे काम भी किए हैं, तो मैं अपने मुंह से ना मैं अपनी खामियां मैं बता सकता हूँ, मगर खूबियां वो खूबी होती है जो लोग जिसको डिस्कस करें अपने मुंह से। कल तो फिर आपकी ये जो खूबी है, आपका जो कारोबार है, इसके बहुत ज्यादा चर्चे हैं, तो ये भी आपकी खूबी है कि आपने इतने अलग अंदाज में काम करना शुरू किया, अल्लाह ने उसमें भी आपको इतनी बरकत दी। मैं तो समझता हूँ कि मेरा रिजक अल्लाह ताला ने इधर लिखा हुआ था, तो अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे पास जो लोग काम करते हैं उनका रिजक मेरे साथ रिलेटेड है, तो उनकी भी रोटी लगी हुई है, तो ये अलग ही काम है, ये रिजक उसके हाथ। बेशक सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।